just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 5A और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा इस फोन में आपको कैसे फिंगरप्रिंट को सेट करना है और कैसे फिंगरप्रिंट आप यहां पर फिंगरप्रिंट का लॉक लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपको चलना होगा उसके लिए सेटिंग के अंदर। आप अपनी फ़ोन की सेटिंग को ओपन करा लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिक्योरिटी, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी। आप यहाँ पर आ जाइए, इसमें क्लिक करना है आपको और यहाँ आती है आपको देखने को मिल जाता है सबसे ऊपर फिंगरप्रिंट। तो आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है इसमें, तो फिंगरप्रिंट पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद सबसे पहले आपको इस फोन में फ्रेंड्स स्क्रीन लॉक सेट करना होता है। कोई भी फोन हो सबसे पहले आपको स्क्रीन लॉक सेट करना होगा, तो हम स्क्रीन लॉक यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सेट स्क्रीन लॉक पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं स्क्रीन लॉक के, जो कि यहाँ पे आपका पैटर्न, पिन और पासवर्ड। तो आपको क्या लगाना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पैटर्न के लिए चूज़ किया है, तो हम पैटर्न यहाँ पे लगा लेते हैं। तो जो भी आप पैटर्न यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, नहीं तो पिन पासवर्ड भी जो भी चाहें वो भी आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं, तो आप यहाँ पर बंद और चालू भी कर पाते हैं। तो ऐसे देखेंगे तो आपको इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस हो जाता है। अब फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी फिंगरप्रिंट को आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी फिंगरप्रिंट यहाँ पर सेट करनी है तो वो आप यहाँ पे पीछे अपने फिंगरप्रिंट पे लगा सकते हैं उस उंगली के लिए। तो नेक्स्ट करेंगे, पहले करते रहेंगे। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, किस तरीके से टच करना है ये भी आपको बता देते हैं। फिंगरप्रिंट लेना है और इस तरीके से आपको टच कराना है और हल्के हल्के इसको मूव भी आपको कराना होता है इस तरीके से। जब अच्छी तरीके से आपका फिंगरप्रिंट ले लेगा, तो आप जब इसको लगाएंगे अपने फिंगरप्रिंट को, तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क भी करता है। तो आपको हल्के हल्के मूव भी कराना होता है फ्रेंड्स। तो फिनिश यहाँ पे कर देते हैं, तो हमारा फिंगरप्रिंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब और कोई फिंगरप्रिंट को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक कीजिए और दूसरा फिंगरप्रिंट आप लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है एक्सेप्ट कॉल का ऑप्शन। तो आप इस फोन से अपने फिंगरप्रिंट से कॉल को आंसर करा सकते हैं। आपके फोन पर आती हुई कॉल को आप फिंगरप्रिंट पर टच करा के कॉल को आंसर करा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग करनी है उस नंबर की, तो आप यहाँ से इनेबल कर दीजिए इसको, तो आपकी कॉल चलती हुई कॉल को आप यहाँ पर अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को चालू करा सकते हैं। मतलब कैसे आप तो फिंगरप्रिंट है उस पर टच कर दीजिए, तो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर चालू हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस फोन में काफ़ी अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं आपको फिंगरप्रिंट के साथ में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस फोन में फिंगरप्रिंट को लगा सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।